गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल फनी जादी एंड आई एम जीनत। और अल्लाह के फजल करम से हम सब बिल्कुल ठीक हैं और उम्मीद है आप सब भी बिल्कुल ठीक होंगे। एंड अब हो चुके हैं 12:00 AM, 11 नवंबर फाइनली। हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे, थैंक यू सो मच। हैप्पी बर्थडे मांगने वाली, ओह गॉड। वैसे मैं इनसे मांगती Guys, रहती हूँ। ये चैन सोने की नहीं है, उल्लू बनाया जा रहा है यहाँ पे आपका। आर्टिफिशियल आर्टिफिशियल। तो गाइस, सोने से कम नहीं हो जाएगा। फाइनली सबसे पहला विश मम्मी का, फिर भैया का, सोनम का, और अभी पापा सो चुके हैं, तो पापा कल विश करेंगे मुझे सुबह सुबह। और आई एम वेरी वेरी एक्साइटेड फॉर माई बर्थडे। और हाँ गाइस, क्या बोलूँ अब मैं। हाँ, तो फाइनली मैं 18 ईयर ओल्ड हो चुकी हूँ। और ये देखें, मेरे को विशेष आनी भी शुरू हो चुकी है। मेरे को विशेष आनी शुरू हो चुकी है। फोकस। सबसे पहला हर्षिता का, गुलिस्ता का, तो मैं उनको जल्दी से रिप्लाई कर दूँ। तो हेलो गाइस, अब मैं आपको अपनी बहन की व्लॉग का, मतलब मेरी अप्पी जो है वो तो अभी कुछ काम कर रही है, तो मैं आपको ये बता देती हूँ कि आज हम उनके लिए मम्मी स्पेशल बिरयानी बना रही हैं मटन की। तो ये देखिए, उसके लिए हमने ये चावल ले लिए हैं। हम पक्के चावल इतने पसंद नहीं करते हैं, हमें कच्चे चावल ज़्यादा अच्छे लगते हैं। ये हमने बासमती का चावल लिया है। और बिरयानी के सामान ये हैं, मैं आपको दिखाती हूँ। ये प्याज है, और ये मिर्च है, ये हैं गरम मसाले, इलायची, बड़ी इलायची, लौंग, काली मिर्च। आप अपने हिसाब से ले लीजिएगा जितना आपको बेटर लगे। और ये, हाँ, लहसुन है ये, ठीक है। और ये तेजपात, और ये मसाला हमने ग्राइंडर में डाला है। इसको हमें पीसना है, पेस्ट बनाना है। अदरक, लहसुन, प्याज, मिर्च, और इसमें सौंफ है, दिख रही है आपको ये। अभी एक मिनट दिखाती हूँ, ये है, ये सौंफ है, और धनिया भी है कुछ, धनिया और सौंफ। अब हम इसका पेस्ट बना लेंगे, और फिर आगे आपको दिखाते हैं कि कैसे कैसे मम्मी आज एकदम स्पेशल बिरयानी बना रही है। कुकर में हो रहा है, अभी हमारा गोश्त रखा है कुकर में, अभी हो रहा है। एकदम हमने लो मीडियम कर रख, लो गैस कर रखा है ताकि हमारा अच्छे से गल जाए गोश्त। तो गाइस, ये देखिए, अब हमने अपना मसाला जो मैंने दिखाया था आपको ग्राइंडर में, वो हमने पीस के रेडी कर लिया है। और हमें ऐसा ऐसा पेस्ट बनाना है, एकदम फाइन नहीं बनाना है, जो एकदम बारीक हमें नहीं बनाना, हमें थोड़ा दरदरा ही बनाना है। तो ये हमारा रेडी हो चुका है। अब हम आपको प्रोसेस, पतीला रख दिया है चूल्हे पे। इसको पतीला हमारे यहाँ पे भगोना बोलते हैं, लेकिन फिर भी थोड़ा हम लोग यहाँ पे पतीला ही बोलते हैं। अभी इसमें कुछ नहीं है, अभी डालते हैं सामान। लाइट तो जला ले। तो अब हम इसमें डाल रहे हैं तेल, रिफाइंड भी डाल सकते हैं। हम रिफाइंड भी डाल सकते हैं, वो हमारे ऊपर है कि हमें क्या पसंद है। हम यहाँ पे ज्यादातर सरसों का तेल ही यूज करते हैं, इसलिए हम सरसों का तेल डाल रहे हैं पहले। अब इसे हम गर्म होने देंगे, तो उसमें बाद में देखते हैं क्या डालते हैं। ये देखिए, हमारा मटन लगभग तैयार हो ही चुका है, 90% तैयार हो चुका है। हमें 10% अपने चावल में थोड़ा सा मतलब गलाना है। तो ये देखिए, हमारा अभी ये तैयार हो चुका है 90%। अब यहाँ पे मम्मी डालेंगे सबसे पहले, बोल देना 1 kg लिया है हमने, 1 kg मटन लिया है, और सवा किलो चावल लिए। अब हम सबसे पहले डालते हैं। सबसे पहले मम्मी ने लहसुन, प्याज और ये मतलब सारा सामान जो मैंने खाया था वो डाल दिया है। आप कैसे भी डाल सकते हैं, पहले जीरा डाल दो, कुछ भी डाल दो, लेकिन मम्मी ने सारा एक बार में डाल दिया क्योंकि हमें जल्दी बनाना है, टाइम ज़्यादा हो चुका है। अब हम इसको भुनने देंगे अच्छे से, ताकि जो महक है वो दूर दूर तक आए। पूरे घर में आप सही में यकीन मानिएगा कि इतनी अच्छी आती है इसकी खुशबू, जब मम्मी बनाती है खास करके, बहुत ही ज्यादा अच्छी खुशबू आती है।
ये देखिए गाइस अभी हमारा फ्राई हो रहा है धीरे धीरे, भाप आ रही है, मैं बंद कर देती हूँ अभी। हम अपनी प्याज को तब तक भूनेंगे, मतलब प्याज को नहीं पूरे मसाले को तब तक भूनेंगे जब तक ये गोल्डन ब्राउन ना हो जाए। अब हमारे हम अपने पेस्ट में मसाले डाल रहे हैं। ये क्या डाला है अम्मी? गरम मसाला, धनिया और गरम मसाला। टेस्ट से ये हमने धनिया डाला है, गरम मसाला डाल दिया मम्मी ने, और अब पिसा हुआ गरम मसाला बस। ये अम्मी अपने घर के पिसे हुए मसाले डालती हैं क्योंकि बाहर के में इतना टेस्ट नहीं होता है, और उसमें जैसे हल्दी होती है तो उसमें ज्यादा खानी होता है। लाल मिर्च डाला, हम नहीं डालते। दिखा जाते ये हमारी प्याज, ये हमारा मसाला हो चुका है जो हमने फ्राई करने के लिए डाला था अपने पतीले में। अब हम इसमें डाल देंगे अपना अदरक लहसुन का पेस्ट जो ग्राइंड करा है हमने, वही ये डाल दिया मम्मी ने। अब हम इसको चला देंगे। हमें अपना मसाला मतलब वेस्ट नहीं करना, जो बचता है उसे हमें पानी डाल के यूज कर लेना चाहिए क्योंकि आजकल महंगाई का जमाना है। वैसे भी पानी लगता ही है बिरयानी में। भाप उठ रही है गाइस, तो मैं अभी आपको इतना ही दिखा सकती हूँ क्योंकि भाप फोन पे लग रही है। ये अभी हमने मसाला डाल दिया, अब हम इसमें डाल देते हैं। अब हम डाल रहे हैं अपना मटन। डालो मम्मी। हाँ ये डाल दिया, ये डल चुका है, आपको दिख रहा होगा क्योंकि ब्लर सा फोटो आ रहा है वीडियो में। गलती बोलती रहती हूँ, मेरे को इतना मतलब बोलना नहीं आता है। मैं फर्स्ट अपना ब्लॉग, आप कह सकते हैं कि मैं फर्स्ट में बोल रही हूँ, वरना मैं आपने मुझे कभी नहीं देखा होगा। अब हमने अपना ये मटन डाल दिया, अब हम इसमें चावल डाल देंगे धोके, मतलब धोते तो है ही। इसमें अब खद्दा आ गया है, आपको दिख रहा होगा क्योंकि अब यहाँ पे भाप उड़ रही है, उसकी वजह से कमी दिख रहा होगा। अब बारी है चावल डालने की, तब हम डाल रहे हैं चावल। अब हम पानी डाल दिया, हमने इसमें डाल दिया, पानी डाल रहे हैं। एक बार चेक कर लेंगे, बोल देना मम्मी, एक बार चेक कर लेंगे कि कितना पानी रखते हैं। हमें बताना जरा कितना पानी रखते हैं। तीन निशान, दो निशान रख, दो निशान, जितने भी चावल हो दो निशान पानी रख दो तो आपके चावल मतलब बिरयानी एकदम बेस्ट बनेगी। कुकर में एक निशान और भगोने में, हाँ क्योंकि भगोने में ज्यादा टाइम लगता है, कुकर में एकदम बन जाते हैं 10 मिनट में, और कुकर में कम से कम आधा घंटा लगता है। भगोने में, हाँ भगोने में, भगोने में वो मुँह से कुछ भी निकल जाता है। हटाओ, ये नमक डाल दिया स्वाद अनुसार, ये अचार डाल दिया। कितने लोग टमाटर डालते हैं लेकिन हम अचार डालते हैं, मिर्ची कम डालते हैं। इसमें हम मिर्ची का अचार डालते हैं, अभी खत्म हो चुका है इसलिए हमने आम का अचार ही डाल दिया। ये देखिए गाइस हमारी बिरयानी रेडी हो चुकी है, माशाल्लाह कितनी अच्छी लग रही है, लाजवाब। अब देखते हैं इसको खा के कि कैसी बनी है। वैसे मुझे इतना तो पता है अम्मी ने बनाई है, अम्मी ने बनाई है तो बहुत ही अच्छी बनी होगी।
लिए हमने टॉप्स का अचार भी डाल दिया था, वो दिखा नहीं पाई मैं, सॉरी इसके लिए। खाते नहीं टॉप्स का अचार डाल के बहुत अच्छा टेस्ट आता है, क्योंकि खट्टा खट्टा सा थोड़ा सा होता है ना बिरयानी में, वही चीज। ये हमने मिर्ची वाला टॉप्स डाला है। देखिए गाइस कितना बड़ा चावल है, ये देखिए गाइस कितना बड़ा चावल हो चुका है हमारा। सो गाइज यहाँ हमारी बिरयानी बनके हो चुकी है रेडी, और अम्मी ने बहुत ही प्यार से बहुत शिद्दत से बिरयानी बनाई है हम सबके लिए, और ये सारे तेरे पास हर पल रहूं यही आरज़ू है मेरी, सांसों में तेरी महक हो, हाथों में हाथ तेरा, मेरे सीने की धड़कन है तू बन गया। माहिया मेरे माही जानी आग जानी, तुझको देखने से आंखें थकती है, कहाँ कोई तुझ सा नजारा। हेलो गाइज, आई एम जीनत, और आप देख रहे हो मेरे बर्थडे का व्लॉग। यहाँ पे मैं हो चुकी हूँ रेडी, मैंने 12 बजे शूट की थी वीडियो, एंड देन फिर मैं अब शूट कर रही हूँ। अब हो रहे हैं कितना टाइम हो रहा है, साढ़े चार हो रहे हैं, और यहाँ पर आई है मेरी बेस्टी ने मुझे सरप्राइज दिया, गुलिस्ता ने, वो वीडियो भी टेढ़ी मेढ़ी बनी है, और मुझे बहुत 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 अच्छा लगा। खुशी ने ये डेकोरेशन की है क्योंकि हमारी छत पर चल रहा है काम, और हमारी छत पर डेकोरेशन नहीं हो सकती, तो खुशी ने ये डेकोरेशन की है, तो थैंक यू सो मच खुशी। और मेरी बेस्टी गुलिस्ता और सानिया और हर्षिता का बहुत 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 शुक्रिया, क्योंकि वो मेरे बर्थडे पे आए, मुझे स्पेशल फील कराया, तो थैंक यू। और यहाँ पर है सानिया, जिसको मेरी वीडियो का हमेशा बहुत ज्यादा इंतजार रहता है। बोल रही है। नहीं सच बोल रही हूँ, और वीडियो बहुत अच्छी बनाती है इसलिए मुझे इंतजार रहता है। वीडियो तो इतनी अच्छी नहीं बनती, वीडियो तो जाते नहीं है गाइस, मेरे को सपोर्ट नहीं करते, खौफ है। चलो इंशाल्लाह एक दिन तुम्हारे 1 मिलियन व्यूज जरूर होंगे। आमीन सुम्मा आमीन, और सब्सक्राइबर्स भी सुम्मा आमीन। सो गाइस मैं आपको अभी अपना फुल आउटफिट दिखाती हूँ। तू ही तू है जो हर तरफ मेरे, जो तुझसे परे मैं जाऊं कहां, मेरे दिल मुबारक हो यही तो प्यार है मेरे दिल। और यहाँ ये महारानी आई थी मेरे बर्थडे में, और ले रही है खुद की पिक्चर्स दोनों की दोनों। ओए इधर देख, हमें कोई इंटरेस्ट नहीं है तेरे ब्लॉग बेटा, तेरी तो हमें कोई इंटरेस्ट नहीं है तेरे ब्लॉग में, सॉरी। कोई बात नहीं, होता है होता है, ऐसी गंगोर ऐसी गंगोर बेइज्जती भी होती है। और गाइस ये आउटफिट मैंने खुद स्टिच किया है, और दुपट्टा बना, ये फुलकारी दुपट्टा है मेरा जो मैंने इसमें मैच किया है, फुलकारी नहीं नहीं बनारसी नहीं फुलकारी है। और अभी केक कटिंग करेंगे, देन फिर पार्टी, और केक मेरा पूरा पिघल चुका है, दोनों केक पिघल चुके हैं, वो तभी देख थोड़ी बहुत देर और। किसी ने ना किया जैसा इश्क तेरा, मेरा ये कहाँ चली गई खुशी, आ जा मर जा व्लॉग में। मैंने तो बर्थडे बोल दे यार, बहुत बच्चे दिखाया कर नहीं, ओए फिर मेरी बेइज्जती हो। गाइस मेरी और भी फ्रेंड्स आ चुकी हैं, और मैं सबसे मिलाती हूँ। ये तो मेरी सिस्टर है, हाय गाइस, और ये है हमारी अलीशा, हेलो, और बस बस तू आ जा, नहीं यार ये है निखत, और सानिया से तो मिलवा चुकी हूँ, तो अभी एक फ्रेंड मेरी कम है, खुशी तो पता नहीं कहाँ चली गई, वो आई नहीं रही है, सोनी को भूल गई, तू तो आई नहीं, सोनी को भूल गई, और हाँ सोनी सोनी एक सीक्रेट मैसेज तेरे लिए, सीक्रेट क्या ओपन मैसेज है, मुझे तेरी बहुत याद आ रही है यार, आई मिस यू रियली मच, और तू गाँव पहुँच गई कमी नहीं। और गाइस ये खुशी की सिस्टर दिव्या है, और
दिव्या हाँ तो मेरी बहन ही तो है यार खुशी मेरी बहन मेरी फ्रेंड को खुशी की बहन मेरी बहन बेशरम बेइज्जती कर दिया गया यार तो कौन सी बेइज्जती कर रहा है यार हैप्पी बर्थडे तो बोल दो मुझे सामने बोल दो अच्छा हैप्पी बर्थडे थैंक यू पांचवी बार सुबह से आंटी से कह रही है मुझे ऐसे बोलूंगी मेरे बर्थडे आज ऐसे बोलूंगी ये क्या ऐसे की गाना है मामी जो भी न्यू आए ना बर्थडे पे वो लगाना लगाओ बर्थडे पे कोई ना आ गया ज्यादा नहीं बस थोड़ा थोड़ा सा बस आंटी मेरे को मत दिखाना नहीं नहीं बस ले 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 बस ले नहीं माता ले सीने नाल मेनू वे तू लाके रख लै वे तेरे नाल जिंदगी बितानी है तेरियां अखां दे विच जीना चाहनिया वे तेरियां बाहां च मौत आनी है रख मेनू नाल सजना वे कर मेरे दिल दा ख्याल सजना केड़ी गलों बेफिकरा वे पुछदा नी मेरा कदे हाल सजना जिस दिन मेरा होएगा